हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम आपके सामने लाए हैं गर्मी का प्रोडक्ट हाँ खैर अभी तो ठंडी टाइप का मौसम है लेकिन सनस्क्रीन तो हर मौसम के लिए वैलिड है ठंडी हो या गर्मी सनस्क्रीन लगाओ हमेशा वैसे ये बहुत गंदा राइम था तो मैं आज आपके लिए आई हूं अर्थ रदम का एस पी एफ फिफ्टी और ट्रा डिफेंस यू ए यू वी ए यू वी बी प्रोटेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम पी ए प्लस 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 तो ये सनस्क्रीन मस्त सनस्क्रीन है यार मस्त मैं बोल रही हूँ मस्त <laughs> मतलब मैं ऐसा कोई ऑथोराइज author, author, इंसान नहीं हूँ बोलने के लिए लेकिन मैं अपने यूज़ के बाद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ ये सनस्क्रीन है तो कॉस्टली ये सनस्क्रीन है कॉस्टली लेकिन मेरे को ना ये तीस एम का छोटा सा ट्यूब जो है ये मिला है करीब दो सौ में और इसका बहुत कम अमाउंट लगता है इसलिए ये कॉस्टली है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है आप इसको बेसिकली पहले लगाओ पहले अपना क्रीम वगैरह जो भी लगाते हो लगाओ उसके ऊपर से सनस्क्रीन लगा लो मस्त है ये और इससे वाइट इसमें ना वाइट कास्ट नहीं होता है और ये एस पी एफ फिफ्टीन है तो आपके चेहरे को सन से सन के यू वी रेज से कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से बचाएगा ये एस पी एफ फिफ्टी है यू वी ए है एंड यू वी बी प्रोटेक्शन के साथ है प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और पी ए प्लस 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 है तो ये एक तरह से बोला जाए ना ये ये प्रोडक्ट जो है स्पेशली अर्थ रिदम का प्रोडक्ट है ये ये जो है ये ऑल इन वन सनस्क्रीन है मतलब एक सनस्क्रीन हज़ार हज़ार प्रोटेक्शन ऐसा है ठीक है अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो ये मतलब कि मस्त है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि जितने भी हार्मफुल रेज आते हैं सन सन से उन सारे हार्मफुल रेज़ को और रेडिएशन से हमको ये सनस्क्रीन ज़रूर बचाएगा तो इस सनस्क्रीन को आप अप्लाई कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं ये बहुत सही है बजट फ्रेंडली है ये प्लस ये प्रोडक्ट जो है इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पीछे और ये प्लास्टिक न्यूट्रल प्रोडक्ट है सर्टिफाइड प्लास्टिक न्यूट्रल प्रोडक्ट है तो अल्थोदम का प्रोडक्ट अच्छा है ये थर्टी एम एल का बॉटल है ट्यूब है ये ना कहीं भी भी इतना छोटा सा है ना कि आप इसको बढ़िया पर्स वगैरह में भी रख सकते हो कि कभी भी सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ी तो लगा लिए ये सनस्क्रीन मस्त है यार यूज़ करो और सबसे अच्छा ना इसका पंपिंग स्टाइल में ना ट्यूब है ये मैं दिखाती हूँ पंप करके ये देखिए दिख रहा है क्या आपको हाँ दिख रहा है ये देखिए ये है पंप करके मैं दिखाई ये देखिए ये पंप होता है ये पंप है इसको मैं पंप करती हूँ ये देखिए एकदम जितना अमाउंट आपको चाहिए ना उतने अमाउंट में एकदम थोड़ा सा भी आप निकाल सकते हो ज्यादा भी आप निकाल सकते हो मैं इसको फैला के दिखाती हूँ कोई वाइट कास्ट नहीं आता है और स्किन में भी बहुत हैवी नहीं लगता है लाइट है स्किन में जैसे मैंने निव्या का जब सनस्क्रीन यूज किया था एस पी एफ फिफ्टी बाप रे बाप मतलब आप मेरा ये एक्सक्लेमेशन वर्ड सुन के समझ पा रहे होंगे वो इतना हैवी इतना चिपचिपा था ना कि मैं अगर बाहर निकलती थी ना उसको लगा के तो ऐसा लगता था कि मैंने अपने चेहरे पे पता नहीं क्या लगाया हुआ है और मेरा चेहरा शाइन तो करता था लेकिन वो इतना हैवी होता था इतना हैवी और इतना चिपचिपा कि मैं अपने चीक को ना टच भी नहीं करती थी इतना हैवी और इतना चिपचिपा था वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था निव्या के सनस्क्रीन के साथ लेकिन जब मैं ये घर दी तो इट्स बेस्ट मज़ा आ गया यूज़ करके ये देखिए कोई वाइट कास्ट नहीं है किसी भी तरह का वाइट कास्ट नहीं है और ये हैवी भी नहीं है आपकी स्किन में आप मतलब फेस में इसको लगाएंगे एकदम चिपचिपा भी नहीं है कोई चिपचिपा नहीं निव्या से फार बेटर है ये और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है आपको रिगरेट नहीं होगा इसको प्लस आपकी स्किन ना निव्या वाला अगर आप लगा रहे हो सनस्क्रीन तो उसको लगाने का ना अजीब सा टाइटनेस फील होता था स्किन में ऐसा लगता था ना मेरा पूरा स्किन ना स्ट्रेच हो गया है प्लस वो जल्दी से ना स्प्रेड नहीं होता था स्किन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी उसको स्प्रेड करने में लेकिन ये देखिए आसानी से स्प्रेड हो गया मैं एक और पंप मार के दिखाती हूँ आपको इसी इसी बात पर ये देखिए मैंने इतना सा लिया ये पूरा एरिया मेरा अच्छे से सनस्क्रीन युक्त हो गया पूरे एरिया में मतलब इतना छोटा अमाउंट मैंने लगाया और ये मेरे पूरे स्किन में फैल गया इतने एरिया के तो देख सकते हैं कि ये कितना ईजली स्प्रेड हो रहा है चिपचिपा नहीं है नो वाइट कास्ट तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सनस्क्रीन लगाए हुए हो जनरली सनस्क्रीन खरीदते वक्त यही इश्यू रहता है कि यार इसका वाइट कास्ट होगा कि नहीं होगा साथ में दूसरा इशू ये रहता है कि यार ये स्प्रेड होगा अच्छे से कि नहीं होगा तीसरा इशू ये रहता है कि ये कहीं चिपचिपा तो नहीं होगा ये स्किन को अजीब सा स्ट्रेच करके मोटा तो नहीं फील करवाएगा तो ये हर डिमेरिट से फ्री है मतलब ये इसमें कोई डिमेरिट नहीं है इसको लगाने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना चिपचिपे होने की मोटा लगने की स्प्रेड नहीं होने की वाइट कास्ट की तो अगर आप ये सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो आप अपनी सारी ये वाली प्रॉब्लम से छुट्टी पा जाएंगे मतलब अब आपको ये सनस्क्रीन के साथ ये सारी अजीब सी जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी वो सब नहीं फेस करनी पड़ेगी ये इजिली स्प्रेड होता है स्किन में भी बहुत लाइट है मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को बहुत अच्छी तरीके से कोई चिपचिप जिगजिग नहीं कोई वाइट कास्ट नहीं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गो फॉर इट छोटा पैकेट ही मंगाइएगा पहले ट्राई कीजिए कैसा है मैंने थर्टी एम का मंगाया ट्राई करने के लिए मुझे बहुत पसंद आया तो इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ छोटा पैकेट मंगाइए ट्राई कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है आपकी स्किन को भी पसंद आ रहा है ये गो फॉर इट डू परचेज इट फ्लिपकार्ट में ये सस्ते दाम पे आपको मिल जाएगा आप ले सकते हो वहाँ से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि मुझे और कौन कौन से वीडियोज़ बनाने चाहिए प्रोडक्ट के और कौन कौन से प्रोडक्ट के वीडियोज़ बनाने चाहिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे वॉश टाइम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लाइक्स की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है और कमेंट्स करके बताइए कि मुझे और कौन कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए रिकमेंड कीजिए और इस वीडियो के बारे में बताइए कि ये वीडियो कैसा है हालांकि मेरे वीडियोस बड़े हो जाते हैं मैं एक ही प्रोडक्ट को काफ़ी देर तक डिस्कस करती हूँ लेकिन मेरा डिस्कशन इसलिए ख़त्म नहीं हो पाता है जल्दी और मैं सिक्सटी मिनट सिक्सटी सेकेंड्स के शॉर्ट्स पे कम बिलीव करती हूँ किसी एक प्रोडक्ट को लेके क्योंकि मैं आपको उससे रिलेटेड हर एक एक्सपीरियंस अपने बताऊंगी ताकि आप भी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह जो सामने वाला प्रोडक्ट मतलब जो भी मेरी तरह इंसान है आम आम आदमी है मिडिल क्लास से बिलोंग करता है तो वो हर चीज कोई भी प्रोडक्ट लेता है ना तो वो बहुत देख तक के लेता है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट का भले मैं रिव्यू कर रही हूँ लेकिन मैं इतना कंप्लीट रिव्यू करूं इतना कंप्लीट कि उसके बाद ना जो भी मेरे वीडियो देख रहा है उस इंसान को उस जो भी प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू किया है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी इश्यू मत फेस करना पड़े कि मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए और कोई भी डाउट्स मत हो उसको तो इसीलिए मैं सारे प्रोज कॉन्स और अपने सारे एक्सपीरियंसेस दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन सब कुछ करके बता देती हूँ आप लोगों को और ये सब करने में मुझे बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है क्योंकि पहले मुझे प्रोडक्ट्स देखना पड़ते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखना पड़ता है फिर मुझे मंगा के टेस्ट करना पड़ता है यूज करना पड़ता है फिर समझ में आता है कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे यूज करना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड नहीं करना चाहिए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में प्रोडक्ट टेस्टिंग में तो प्लीज़ लाइक करिए मैं कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूं लेकिन मैं आम जिंदगी में यूज़ होने वाले आम प्रोडक्ट्स को मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले आम प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके आपको बताती हूँ ताकि आप उसको अफोर्डेबल दाम पे फ्लिपकार्ट से खरीद पाए जनरली मेरी शॉपिंग फ्लिपकार्ट से होती है इसलिए मैं फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स बताती हूँ जो कि जेनुइन होते हैं ऑथेंटिक होते हैं और आपके लिए बजट फ्रेंडली होते हैं प्लस वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा हो मैं इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करती हूँ और मेरे वीडियोज इसलिए थोड़े लंबे हो जाते हैं जैसे आज का भी वीडियो मेरा नौ मिनट का हो गया है बस मैं एक ही प्रोडक्ट डिस्कस कर रही हूँ जब से लेकिन मैंने आपको इसके प्रोज कॉन्स और निव्या से कंपेयर करके भी आपको बता दिया कि ये प्रोडक्ट किस माम कैसे हर मामले में बहुत अच्छा है तो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कोई भी सनस्क्रीन जब हम खरीद रहे हैं तो उस सनस्क्रीन में हमें क्या क्या देखना चाहिए तो कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा ये मैं लास्ट में बता रही हूँ इसके लिए सॉरी इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे पूरे वीडियोस देखो क्योंकि कई बार ना मुझे चीजें बाद में याद आती है तो इसलिए मैं बाद में बताने लगती हूँ तो कभी भी आप सनस्क्रीन खरीद रहे हो ना तो ये देखो कि उसमें वाइट उसको लगाने के बाद व्हाइट कास्ट तो कास्ट तो नहीं आ रहा है फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग वो लगाने के बाद आपकी स्किन में हैवी फील तो नहीं करवा रहा है मतलब आपका स्किन लाइट फील करना चाहिए उसको मतलब स्किन में ऐसा फील ही नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट लगाया है दूसरा चीज आपका जो प्रोडक्ट है वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि अगर आपका बजट नहीं रहेगा उस प्रोडक्ट के मामले में तो आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा दिन तक यूज नहीं करोगे तो उसका इफेक्ट आप ज्यादा दिन तक देख नहीं पाओगे ठीक है तो वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए और और सनस्क्रीन में साथ में बात ये कि वो चिपचिपी नहीं होनी चाहिए वरना आप दिन भर ना अजीब सा फील करेंगे बहुत अजीब सा और पांचवी बात यह है कि आपका जो सनस्क्रीन होना चाहिए ना उसको लगाने के बाद ना आपका जो चेहरा है वो फ्लेक्सिबल लगना चाहिए कि आपको मतलब ऐसा नहीं देखना चाहिए कि आपका पूरा स्किन अचानक से स्ट्रेच हो गया है बिल्कुल वैसा फील नहीं आना चाहिए और साथ में वो ईजिली स्प्रेड होना चाहिए आपकी स्किन पे वो इजिली स्प्रेड होगा तो वो आपकी स्किन को टाइट नहीं दिखाएगा मतलब टाइट नहीं दिखाने का मतलब ये नहीं मतलब यह है कि आप बूढ़े दिखने लगेंगे मेरा मतलब ये कि एक्स्ट्रा टाइट कर देता है जैसे कि जो क्रीम ना अच्छे से स्प्रेड नहीं होती है इजिली स्प्रेड नहीं होती है वो आपकी स्किन को ना एकदम से टाइट कर देगी अजीब से आप बोल भी नहीं पाओगे इतना टाइट तो इसीलिए हमेशा वैसे क्रीम्स का यूज करें वैसे ही सनस्क्रीन का यूज करें जिसको कि जल्द जो कि आसानी से स्प्रेड हो जाए आपकी स्किन में और आपकी स्किन को टाइट मत फील करवाए ठीक है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और उस हिसाब से प्रोडक्ट खरीदिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक like, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो लंबी हो गई है इसके लिए सॉरी लेकिन मैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देती हूँ ताकि आपको ना कोई भी दिक्कत ना हो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय